आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, सवाल क्वेश्चन लीजिए। अ लेंस प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5 इच दिस अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो यानी इमेज की फॉर्मेशन कैसे बनेगी इस केस में, ये भी हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है -0.5। तो हम लिख लेते हैं, जैसे हमें क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -0.5। ओके, तो जो मैग्निफिकेशन में गिवन है यहाँ पे जो ये माइनस साइन हमें बताना है इसको देख के कि ये कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, हेयर मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, तो ये क्या शो करता है कि जो इमेज है वो कैसे है? रियल है और इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि माइनस साइन कब आता है, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज का केस हो। हेयर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। ओके, सो हमारे पास कैसा मिरर है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज शो करता है। सो दिस इज आ, सो दिस इज आ कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस शो करता है मैग्निफिकेशन, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा शो होती है कन्वर्जिंग लेंस में, और कन्वर्जिंग लेंस का सेकेंड नेम क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। ओके, तो यानी कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो मैग्निफिकेशन जिसकी नेगेटिव में होती है रियल और इन्वर्टेड इमेज शो करता है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर इसी फोकल लेंस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन में गिवन है -0.5, तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करो इमेज के फॉर्मेशन के लिए। यानी पहले हमें वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्या होगा। तो यानी कि वी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे जो मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल होता है, -V/U के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5 U के इक्वल। ओके, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, यही होता है। ओके, सो 1/V की वैल्यू 0.5U माइनस 1/-U इज इक्वल टू 1/6, यही होगा। फोकल लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर की बना है, यू हमेशा नेगेटिव में होता है और ये होगा 0.5 U। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/0.5U प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/6। ओके, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि क्या आ जाएगा, U/2 प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/6, यही टर्म आएगी हमारे पास। ओके, तो आगे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2+1 यानी 3/U इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से U किसके इक्वल आ जाएगा, 6 × 3 यानी कि 18 सेंटीमीटर। तो यानी कि U कितना है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो V कितना आएगा, 0.5 × U, 0.5 × 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/10 × 18, 5 × 2 = 10 और 2×9 = 18, तो हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी V कितना है, 9 सेंटीमीटर, U कितना है, 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे रे डायग्राम में हमें क्या गिवन है, इसमें कन्वेक्स लेंस, तो हमने जैसे यहाँ पे एक ड्रॉ किया हमारा एक कन्वेक्स लेंस। ओके, अब इस कन्वेक्स लेंस के केस में ये हमारे इसका सेंटर पॉइंट है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स लेंस की। तो इसमें क्या है, जैसे हमने दो पॉइंट लिए, फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ का पॉइंट है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है जो है 12 सेंटीमीटर। इस तरफ भी ऐसे ही होगा, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास फोकल लेंथ का पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है। अब क्या शो करना है कि जो व्यू है, व्यू कितना है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर, 18 का होगा 6, 12, इसके बाद जाके 18 आएगा, तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे कुछ है 18 सेंटीमीटर।
ओके 18 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू यू, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट। ओके अब ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी, अब इसकी इमेज की फॉर्मेशन देखते हैं कहाँ बनेगी, तो वी कितना होना चाहिए 9 सेंटीमीटर। तो कैसे होगा, जैसे एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो किससे पास करेगी जाने के बाद, दैट विल पास थ्रू द फोकस। ओके तो फोकस से पास करेगी पास होने के बाद, उसके बाद सेकंड रे जो जाएगी वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, ये सेंटर से पास होगी। तो सेंटर से जो रे पास होगी वो क्या करेगी, डायरेक्ट पास कर जाएगी इसके अंदर से। ओके तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहीं इस पोजीशन पे बनेगी बीच में इन दोनों के, और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, दैट इज वी। ओके तो वी होगा 9 सेंटीमीटर, यू है 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर दिस फॉर्मेशन। ओके थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।